कोतवाली पुलिस ने लोगों को चकमा देकर रुपये लूटने वाले एक शातिर लुटेरे को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान तमिलनाडु प्रांत के चेन्नई जिले के तिरुचिरापल्ली रामजी नगर निवासी आनंद राज पुत्र विश्वनाथ के रूप में हुई है, जबकि इसका एक साथी कार्तिक पुत्र श्री कुमार मौके से भागने में सफल रहा। घटना के संबंध में बताते हुए सीओ कोतवाली वीपी सिंह ने बताया कि गोलघर स्थित गणेश चौराहे के पास अभियुक्तों ने एक स्कॉर्पियो गाड़ी के मालिक को चकमा देकर बैग लेकर भागने लगा। स्थानीय लोगों ने जब इसकी हरकत देखी तो तत्काल उसे पुलिस की मदद से अपनी गिरफ्त में ले लिया। बैग में कुल 15,000 रुपये थे, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कोतवाली वीपी सिंह ने बताया। दिनांक 25/9 को दोपहर करीब 1:30 बजे एक राजबहादुर यादव नाम की व्यक्ति अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी से आ रहे थे। वहाँ रुके तो उधर स्कॉर्पियो के बाएँ खड़ा हुए व्यक्ति ने बताया कि आपका पैसा गिर गया है। जैसे ही पैसे की तरफ निगाह लगाए जो कि पैसा गिरा नहीं था, दूसरा व्यक्ति उनकी स्कॉर्पियो से झोला निकाल करके भागा। शोरगुल हुआ, वहाँ चेकिंग में पुलिस मौजूद थी और पुलिस ने दौड़ा करके जनता के सहयोग से उसको पकड़ लिया। वो चेन्नई तमिलनाडु का रहने वाला है आनंद राज, इसका दूसरा साथी कार्तिक भागने में सफल रहा और जिसका पता किया जा रहा है। जहां कहीं भी अगर शहर में रुका होगा उसके स्थान की जानकारी के उसी गिरफ्तारी से घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं, क्योंकि इनकी भाषा तमिलनाडु की है, हिंदी भाषा बहुत कम बोल पा रहे हैं, इसलिए इंटोग्रेशन में कुछ दिक्कत हो रही है और विस्तृत जानकारी की जा रही है। इसके जहां भी रह रहे थे उस जगह से जानकारी करके जो भी सूचनाएं होंगी संकलित करके आगे कार्रवाई। गोरखपुर में यदा कदा आते हैं और नौकरी के बहाना बनाकर कहीं काम करने लगते हैं और घूम फिर करके इस तरह का अपराध करके चले जाते हैं।